तो फाइनली गाइस बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन फाइनली आज ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले ही दिन वो तूफान मचा रही है, बॉक्स ऑफिस पर वो ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां दोस्तों फैंस ने जिस तरह की उम्मीदें लगाई थी उससे भी 4 कदम आगे निकली सलमान खान की फिल्म टाइगर 3, और टाइगर 3 ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। फिल्म को आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिल रहा है, 100% फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। थिएटर से जो भी दर्शक इस फिल्म को देखकर निकल रहे हैं वो फिल्म की तारीफें करते करते नहीं थक रहे। स्पाई यूनिवर्स में इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान आपने देखी थी, लेकिन पठान हो या फिर वार, यहां पे टाइगर 3 के सामने हर कोई फेल हो चुका है। और दोस्तों आप लिख लीजिए, टाइगर 3 अब तक साल 2023 में जितने भी बड़े रिकॉर्ड बने हैं, चाहे वो स्पाई यूनिवर्स में शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बनाया हो, या हिंदी भाषा में सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बनाया हो, या फिर शाहरुख खान की जवान ने इतिहास ही क्यों ना रचाओ, लेकिन टाइगर 3 ये सारे इतिहास, ये सारे रिकॉर्ड साइड में करके सबसे आगे बढ़ने वाली है। जा दोस्तों आज है दिवाली का खास दिन, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं शाहरुख खान की फिल्म जो साल 2023 की शुरुआत में ही 25 जनवरी को रिलीज हुई थी, वो भी एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी थी, सलमान खान की झलक भी उस फिल्म में देखने को मिली थी। तो फिलहाल पठान फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे पर इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई की थी, फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कितना कलेक्शन था, और आज टाइगर 3 जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है तो आज ये फिल्म अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर इंडिया के अंदर कितनी कमाई करने वाली है, फिल्म का वर्ल्ड वाइड में टोटल कितना कलेक्शन रहेगा, कौन सी फिल्म आगे चलेगी, कौन सी फिल्म मारेगी बाजी, बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म पठान की तो सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसमें हमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम अहम किरदारों में नजर आई थी, क्योंकि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान का बहुत ज्यादा इंतजार था। पूरे हिंदुस्तान की जनता इस फिल्म का इतना ज्यादा इंतजार कर रही थी कि अगर मैं इंतजार की बातें करूं आपसे तो किसी भी फिल्म के लिए इतना इंतजार नहीं हुआ जितना कि शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए हुआ था, क्योंकि शाहरुख खान बॉलीवुड का किंग खान 4 सालों के बाद बॉलीवुड में एक बार फिर से वापसी कर रहा था, और वो भी वापसी ऐसी जिसे पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया देखती रह गई। जहां दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर पठान फिल्म की तो पठान फिल्म को पूरे इंडिया और ओवरसीज में यानी कि वर्ल्ड वाइड में लगभग 8,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था, लेकिन अगर पठान फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर पठान फिल्म की जो कमाई थी पहले दिन वो थी तमिल तेलुगु हिंदी तीनों भाषाओं में 57 करोड़ रुपए। जा दोस्तों 57 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था फिल्म पठान ने अपने पहले दिन। हिंदी भाषा में इस फिल्म ने 55 करोड़ रुपए कमाए थे अपने पहले दिन, तेलुगु भाषा में 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, तमिल में फिल्म ने कमाए थे 5 करोड़ रुपए, और कुल मिला के फर्स्ट डे पर 57 करोड़ रुपए ये फिल्म नेट करने में कामयाब रही थी। वहीं फिल्म का इंडिया में जो ग्रॉस कलेक्शन था वो 67 करोड़ 80 लाख रुपए था, ओवरसीज से फिल्म ने कमाए थे अपने पहले दिन 37 करोड़ रुपए, और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले दिन फिल्म पठान पूरे वर्ल्ड में 107 करोड़ रुपए की ओपनिंग करने में कामयाब रही थी, जो कि काबिले तारीफ और उस टाइम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था बॉलीवुड की तरफ से। लेकिन दोस्तों यहां पे बात करूंगा मैं टाइगर 3 की, तो टाइगर 3 की मैं जितनी तारीफें करूं कम है, क्योंकि सलमान खान की इस फिल्म के लिए फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था। जब से पठान में टाइगर 3 की झलक देखी थी उसके बाद टाइगर 3 का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो रोंगटे खड़े हो गए, और भैया इस फिल्म का इंतजार फैंस बड़ी बेसब्री से करने लगे, और यही वजह रही कि दिवाली का खास दिन था लेकिन फिर भी इस दिन के लिए इतनी टिकट बिके, इतनी एडवांस बुकिंग हुई कि गदर 2, जवान, पठान, अगर मैं सिंगल
स्क्रीन की बात करूं तो सभी को पीछे छोड़ दिया भाई, बात टाइगर थ्री मजा आ गया, सलमान खान ने तो कमाल कर दिया। यहां पे फिलहाल बात करूंगा मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मनीष शर्मा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है जिसको प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने। फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, तो वही फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 9000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है। लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले दिन यानी कि दिवाली के खास दिन की कम से कम 23 करोड़ रुपए हुई है। जहां दोस्तों जहां पे लोग बिजी रहेंगे अपने कामों में अपने त्योहार में, लेकिन फिर भी वहां टाइगर थ्री अपने फर्स्ट डे पर इंडिया के अंदर कम से कम 47 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती हुई हमें नजर आ रही है। जहां दोस्तों 42 करोड़ रुपए ये फिल्म हिंदी भाषा में करेगी, तो वहीं 5 करोड़ रुपए तमिल और तेलुगु से करेगी, और कुल मिला के पूरे इंडिया में फिल्म टाइगर थ्री की जो ओपनिंग होगी नेट वो होगी 47 करोड़ रुपए। वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 55 करोड़ रुपए के ऊपर जाएगा। ओवरसीज से फिल्म कमाएगी 45 करोड़ रुपए और कुल मिला के अपने पहले दिन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर रही है फिल्म टाइगर थ्री। लेकिन दोस्तों अभी अगर मैं बात करूं तो पठान थोड़ी आगे है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन दोस्तों जैसे ही कल ऑफिशियल कलेक्शन आएगा टाइगर थ्री का फर्स्ट डे का, तो आप देखते रह जाएंगे कि पठान फिल्म भी टाइगर थ्री ने पीछे छोड़ दी है। लेकिन दोस्तों यहां पे टाइगर थ्री फिल्म अगर आपने देख ली है तो कैसी लगी आपको ये फिल्म, कितने स्टार आप इस फिल्म को देंगे कमेंट में जरूर बताइएगा।